हेलो एवरीवन, आज को जानेंगे आप लोग व्हाट्सएप पर ऑनलाइन होने के बाद भी ऑफलाइन कैसे दिखें। अगर आप लोग व्हाट्सएप पर ऑफलाइन दिखना चाहते हैं तो कैसे आप लोग ऑफलाइन दिख सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन कर लेना। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को थ्री डॉट पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। सिंपली आप लोगों को लास्ट सीन एंड ऑनलाइन पर क्लिक करना। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो ऊपर चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दो अलग से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इसी का यूज़ करके आप लोग व्हाट्सएप पर ऑनलाइन होने के बाद भी आप लोग ऑफलाइन दिख सकते हैं। ऑफलाइन कैसे देखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है इब्रेवन का, अगर आप लोग यहाँ पर इब्रेवन को सिलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप पर ऑफलाइन नहीं दिख पाएंगे। तो अगर आप लोग व्हाट्सएप पर ऑफलाइन दिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। चाहे तो आप लोग माई कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो आप लोग माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर चाहे तो आप लोग नोबडी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो दो अलग से ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये सिर्फ तीन पर काम करेगा, माई कॉन्टैक्ट एंड माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट एंड यहाँ पर नोबडी। तो अगर आप लोग ऑफलाइन दिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो है माई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेना। अगर आप लोग यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर अगर आप लोग एवरीवन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जिनका नंबर आपने अपने फ़ोन में सेव किया, ठीक है, उनको आपका लास्ट सीन नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप लोग व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है, तो उनको ऑनलाइन शो होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिनका नंबर आपने सेव नहीं किया, ठीक है, ना उनको लास्ट सीन दिखे और ना उनको ऑनलाइन दिखे, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है सेम लास्ट सीन, इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपने जो है जिनका नंबर अपने फोन में सेव नहीं किया, ठीक है, ना उनको आपका लास्ट सीन दिखेगा और जब आप लोग व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहेंगे तो उनको ऑनलाइन भी शो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट का, आप लोग यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट को सिलेक्ट करेंगे, एवरीवन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जिनका नंबर आपने जो माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट में जो है ऐड किया है, ठीक है, उनको आपका लास्ट सीन नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप लोग व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहेंगे तो उनको ऑनलाइन शो होगा। आप लोग यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आप लोग जो है सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट के अंदर जिनका नंबर आपने ऐड किया है, ठीक है, ना उनको आपका लास्ट सीन दिखेगा और आप लोग व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहेंगे तो उनको ऑनलाइन भी शो नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर नोबडी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग जो है एवरीवन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब आप लोग व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है, तो सभी लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन शो होगा, ठीक है, लेकिन जब आप लोग व्हाट्सएप पर ऑनलाइन नहीं रहेंगे, ठीक है, तो किसी को भी आपका लास्ट सीन नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहें, ठीक है, और किसी को हमारा लास्ट सीन ना दिखे और किसी को ऑनलाइन शो ना हो, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर नोबडी को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आप जो है सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे सेम लास्ट सीन को। इससे क्या होगा कि आप लोग व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहेंगे फिर भी किसी को ऑनलाइन शो नहीं होगा और ना आपका लास्ट सीन दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो व्हाट्सएप पर ऑनलाइन होने के बाद भी ऑफलाइन देख सकते हैं, ठीक है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है, आपका जो लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस किसी को भी नहीं दिखेगा, ठीक है, और आप भी जो है किसी का लास्ट सीन एंड ऑनलाइन स्टेटस नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।